और मुझे याद आता है कि वर्ष 1974 में मेरा पहला प्रवास हिमाचल में हुआ था। बहुत पुरानी बात हो गई। एक वो स्मृतियाँ, कुल्लू मनाली गया था, आज भी वो स्मृतियाँ जुड़ी हैं। और उसके पश्चात तो पिछले कई वर्षों से लगातार समाज कल्याण से जुड़े हुए अनेक समारोहों में भाग लेने के लिए इस प्रदेश में आता रहा हूँ। पिछले वर्ष भी मैं हिमाचल प्रदेश में आया था आपके राज्यपाल के निमंत्रण पर। उस समय मैं संयोग से बिहार का राज्यपाल था। यहाँ पर आया, 2-3 दिन का प्रवास था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक सुखद संयोग, वो महीना भी मई का महीना था, मई के अंत का अंत के दिन थे। और जब यहाँ आप सबसे मिलकर के और हिमाचल से मैं विदा हुआ, वापस बिहार गया, तो उसके ठीक 20 दिन बाद ये संयोग ही है कि मुझे राष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी के रूप में मनोनयन का निर्णय। और इस प्रवास के दौरान भी मैं देखता हूं कि जिसमें 20 दिनों की बात की है, तो इस मई के 20 तारीख की को पुनः मेरा हिमाचल की धरती पर आना हुआ। मैं 20 तारीख को आ गया था, आज तीसरा दिन है। इस प्रकार मैं जो राष्ट्रपति पद का जो मनोनयन हुआ, उसमें मैं इस देवभूमि हिमाचल की मिट्टी के आशीर्वाद को देखता हूं, क्योंकि बिहार के राज्यपाल के रूप में मेरा किसी दूसरे प्रदेश में प्रवास का कार्यक्रम वो अंतिम था। आज भारत के राष्ट्रपति के रूप में हिमाचल प्रदेश में पहली बार आया हूं, उसका मुझे स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।